देश के गृह मंत्री अमित शाह मधुपुरन मंडल क्षेत्र के बूढ़े मैदान में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के पक्ष में जन समर्थन मांगेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 12:50 में मंच के ठीक बगल मैदान में बने हेलीपैड में उतरेंगे। इसके बाद 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे, जहां से वे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देंगे और अपनी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मत की अपील करेंगे, जिसका जायजा लिया संवाददाता रामचंद्र झा ने। आज मधुपुर के बूढ़े मंडल के नैयाडी के मैदान में गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम है। विजय संकल्प सभा को वो संबोधित करेंगे, अपने जो उनके बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से वे भाजपा की जीत के लिए हुंकार भरेंगे। अब इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मंच की साज सज्जा पूरी है और अब से कुछ ही देर में यहां पर मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होना है और यहीं बगल में ही हेलीपैड बनाया गया है। लगभग 12:50 में वो यहाँ लैंड करेंगे और 1 बजे वो सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ उनको उनके कार्यक्रम को देखने के लिए सुनने के लिए हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, मतदाता हैं, वो धीरे धीरे अब जुटने लगे हैं। हम बात करेंगे कुछ मतदाताओं से कि किस प्रकार से क्या उनके मन में उम्मीद है, अमित शाह जी क्या कुछ उनके लिए सौगात लेकर आएंगे, क्या कुछ जनसभा में वो कहेंगे और क्या देख सकते हैं कि जैसे ही अमित शाह जी का कार्यक्रम 1 बजे शुरू होगा और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और धीरे धीरे यहाँ जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, वो जुट रहे हैं और वो अपना जगह ले रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ जो समर्थक हैं यहाँ जुटे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है, क्या कुछ कहेंगे? अमित शाह जी आ रहे हैं, देश के माननीय गृह मंत्री जी, और अच्छा संदेश जाएगा इस क्षेत्र में और यहाँ से भाजपा कम से कम 30 से 40 हज़ार वोटों से विजय होंगी। क्या लगता है अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी के आने से क्या तब्दीली हो? माँ बूढ़ेश्वरी की कृपा से परम सौभाग्य जब अमित शाह इस धरती पर पहुंच रहे हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगा, इस बार सरकार बनाएगी। तो सिर्फ पुरुष भाई ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी काफी संख्या है और महिलाएं भी जुट रही हैं उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। क्या कुछ कहेंगे अमित शाह जी वो जानने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। बात करेंगे कुछ लोगों से। बताइए, आप लोग अमित शाह को देखने आए हैं? क्या चाहते हैं, क्या अमित शाह जी करेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देखे लिए लिए मुकी जगह हां चार दल गहूं की तो साड़ी ताड़ी सब निमन दल अमित शाह आखू की करबो जी ताब खें की करबे की कहत खूं आ की बोल छी सटंग दा कुया दा हमरा चपा कल ने ह पानी के व्यवस्था ने ह ए सब बोलबो अभी की बोलबो इसमें पानी के रोड के पानी के यार की बोलो भूखे मरा ये से दे पटा भर बे करम करे थी यार पंछी बोलो चारा देबो करो फिर इबरी भूखे कई मरा नहीं चार देबे करो अबरी पटा भरम करे से की कह अबरी उन खरा ने देबो भटा ककरा दो कुछ बच्ची लोग है बताओ आप अमित का आ रहे हैं क्या कुछ नहीं बस एक ही है जो बूढ़े में भी प्लस टू स्कूल खुल जाए 10 तक ही है 12 तक हो जाए तो और अच्छा होगा। अच्छा उम्मीद है अच्छा करेंगे पूरा देश में वही हम लोग अनुरोध है कि वो लोग अच्छा करेंगे। उम्मीद यही है कि हम लोग तो उनको अच्छा समझते हैं, वो लोग को भी हम लोग को विकास पर ध्यान देना चाहिए, अच्छा कुछ करना चाहिए। लहर है कि एक तरफ से माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, और वही जुनून इन लोगों में भी है, उत्साह है। बच्चियों ने कहा कि यहाँ 10 तक की पढ़ाई होती है, प्लस टू स्कूल यहाँ खोला जाए जिससे वे आगे की पढ़ाई सही रूप से कर सके। वहीं जो योजनाएं केंद्र के द्वारा चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का भी लाभ इन लोगों को मिल रहा है और अमित शाह जी को देखने सुनने के लिए भारी तादाद में यहाँ समर्थक मतदाता जुट रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज़, मधुपुर।